बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पीता ब्रेड बनाना सिखाऊंगी और पीता ब्रेड बनाना बहुत सिंपल है। आप चाहें तो इसे आटे के साथ भी बना सकते हैं और पीता ब्रेड को पकने के बाद जब आप हाफ करें तो ये अंदर से खुल जाना चाहिए और इसे फूला हुआ होना चाहिए ताकि शवारमा की फीलिंग अच्छी तरह से हो सके। तो पीता ब्रेड बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मैदा 1/2 किलो, इंस्टेंट ईस्ट 1 टेबल स्पून, चीनी 1 टीस्पून और ऑयल जाएगा 4 टेबल स्पून और नमक चाहिए होगा 1 टीस्पून और इसका आटा गूंदने के लिए नीम गर्म पानी चाहिए होगा। सबसे पहले आप 1/2 किलो मैदा डाल लें। और इसमें आप खमीर, चीनी, नमक और ऑयल डाल लें। और इसमें आप नीम गर्म पानी डालकर इसका अच्छा सा ढो तैयार कर लें। और जब इसका अच्छा सा साफ ढो तैयार हो जाए तो इसके बाद आप इसे ढककर किसी गर्म जगह पर रख दीजिए तकरीबन 45 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरह से राइज हो जाए। और जब ये अच्छा सा राइज हो जाए, फूल जाए, तो फिर आप हाथ पर तेल लगाकर इसकी सारी एयर निकाल दीजिएगा। सारी एयर निकालने के बाद आप इसकी छोटी छोटी रोटियां बेल लीजिए या जिस साइज की आप बेलना चाहते हैं बेल लीजिए और बेकिंग ट्रे में रख दीजिए। इसी तरह से आप सारी रोटियां बेलकर बेकिंग ट्रे में रख दें। और रोटियों को बेलने के बाद दोबारा 15 से 20 मिनट के लिए किसी गर्म जगह पर कवर करके रख दें, यानी सेकंड टाइम रीप्रूफ करने के बाद आप इसे बेक करेंगे। इसी दौरान आप ओवन को मैक्सिमम यानी हाई टेम्परेचर पर प्रीहीट कर लीजिएगा और इसे आप हाई टेम्परेचर पर ही तैयार करेंगे ताकि ये बहुत अच्छी और फ्लफी तैयार हो। 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद आप इसे प्रीहीटेड ओवन में 270 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें। सात से आठ मिनट बेक करने के बाद पीता ब्रेड तैयार है। अब इसे मैं निकाल लूंगी।
लीजिए, पीता ब्रेड तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये किस कदर खूबसूरत फूली हुई है और इन्हें आप काट कर इसके पॉकेट्स बनाकर अंदर फिलिंग भी कर सकते हैं, चिकन की, बीफ या मटन की, और इसके साथ आप अच्छा सा शवारमा बनाइए या इसे आप साथ सर्व कीजिए तो जरूर बनाइएगा। और जाने से पहले एक हदीसे पाक शेयर करना चाहूंगी। हदीसे पाक इस तरह से है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन सारे दिनों में जिनमें के सूरज निकलता है यानी हफ्ते के 7 दिनों में सबसे बेहतर और अफजल जुमा का दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहि सलाम पैदा किए गए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन जन्नत से निकालकर दुनिया में भेजे गए और इसी दिन में कयामत कायम होगी। इस दिन को योम जुमा इसलिए कहा जाता है कि ये मुसलमानों के इज्तमा का दिन है। आसमान और जमीन और सारी कायनात जो अल्लाह ताला ने 6 दिनों में पैदा फरमाई है, इनमें से आखिरी दिन जुमा का ही है जिसमें इस पैदाइश का काम मुकम्मल हुआ। ये दिन अल्लाह ताला की खास बरकतों और रहमतों का दिन है, इसीलिए इस दिन बड़े बड़े वाकयात अल्लाह ताला की तरफ से वाकया हुए और वाकया होने वाले हैं। इस दिन की इन्हीं खसूसियात की वजह से अहम और शानदार इज्तमाई नमाज के लिए जुमा का दिन मुकर्रर किया गया है। इस दिन की अजमत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि इसके नाम से कुरान पाक में एक पूरी सूरा है जिसमें के इस दिन के अहकाम और मसाइल का बयान किया गया है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।